नहीं बाकी गालियां तक नहीं जाते मुझे बता ली मोदी जी हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री वो और वो प्रधानमंत्री रहना चाहिए लेकिन आपने कैसे बोला राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कैसे बोला मुझे बता पप्पू कैसे बोला उसको सब बोलते हैं सब बोलते हैं सब खड्डे पड़ रहे आप भी पढ़ोगे नहीं पढ़ेंगे तब फिर कैसे बोला नहीं खड्डे से बाहर क्या बोला मुझे बता मैडम धीरे बोलिए नहीं कैसे बोला आपने पप्पू मैडम यूं क्यों पप्पू कैसे बोला माफी मांगी आप कैसे बोला पप्पू कौन है एक मिनट शांति अरे मैडम जी एक मिनट जी शांति रहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी साहब बैठे लोकसभा के जी सम्मानीय है तो सम्मानीय रहेगा वो भूल बैठिए आप कैसे बोल रहे हैं बता मुझे जी आप बैठो रिलैक्स रहो प्रधानमंत्री हमारे सम्मानीय यार नरेंद्र मोदी जी 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 है जी हम इसको कैसे बोलेंगे वो प्रधानमंत्री के बराबर का बोल जी 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 आप बैठो नहीं आप पप्पू क्यों बोला आपने पप्पू क्या राहुल गांधी के बराबर क्यों हो एक ही बात बोल रहे उसके बराबर क्यों हो मैडम दूसरी बात ही नहीं क्यों नहीं पढ़ा आपने क्यों बोला मैं उसको पप्पू क्यों बोलना पड़ा आपको ये बताइए मुझे आप बूढ़े होते पप्पू बोलने वाले उसको मैडम दूसरी बात बोलेंगे बोलेंगे ही नहीं बोलोगे मत बोलो भाषण दो सब कुछ करो प्रचार अपने अपनी पार्टियों को करो लेकिन आप कैसे कह रहे पप्पू यूं उसको राहुल गांधी को कह रहे पप्पू को बोलो खड्डे पड़ गया रोड वो फेंकू है क्या उसको मेरी बात सुनो हम एक मान मर्यादा का सब कुछ ख्याल रखते हैं इसलिए तो हम ही बोल रहे हैं हाँ तो मेरी बात सुनो सॉरी बोल दिया पर क्यों बोलना पड़ा आपको पप्पू यूं आप राहुल गांधी के बराबर क्यों हो आप क्या हो मुझे बता कि कौन किसने गाली दी कौन कैसे बोल रहे आपका नहीं बोल रहे भैया बोलते हैं तो उसको बोलने देते ना नहीं बोलने तो बोलने देते पड़ जाओ उसके माथे पर हमारे यहाँ भी चलेगा आपने क्यों बोला यहाँ पे पप्पू बोल दे कब क्या बोल दिया अभी अभी बात करे के नहीं करा करो बात हम कहें लेकिन उसको पप्पू कैसे बोला आप राहुल गांधी के बराबर क्या हो तब फिर कैसे बोला पप्पू